नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं शेफ कालू सिंह गुजर और एक इंडियन से नया आइटम लेके आ रहे हैं मेन कोर्स से, जो कि बहुत अटके है, पॉपुलर है। काफ़ी सारे आपने कोफ्ते खाए हैं, काफ़ी सारे स्टफ कोफ्ते बना के खाए हैं आपने, काफ़ी सारे एकदम से आपने काफ़ी सारे आइटम इंडियन से मेन कोर्स में कोफ्ता बनाया है। लेकिन जो आज मैं कोफ्ता लेके आ रहा हूँ, बहुत अटके कोफ्ता है, लाजवाब है, जिसका नाम भी हमने उसी हिसाब से रखा हुआ है। और प्रैक्टिकली भी आपको मिलेगा, थ्योरी भी आपको उसी में मिलेगी, देन आपको बनाने के साथ साथ खाने को भी उसी वीडियो में मिलेगा। तो इसको वीडियो को आप कंटिन्यू देखना। कंटिन्यू देखने के साथ साथ नया आइटम आपको जो मिलेगा, जो इंडियन से हम दे रहे हैं उस वो दे रहे हैं आज हम कोफ्ता में, श्याम सवेरा जो कोफ्ता का हमने नाम रखा है, उसके इंग्रीडियंट्स क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, जैसा नाम अटके है वैसे ही अटके बहुत रेसिपी है, ज़बरदस्त रेसिपी के साथ में हम लेके आ रहे हैं इसको। तो उसके साथ साथ आप वीडियो देखने के साथ साथ सारे इंग्रीडियंट्स देखोगे, तो मैं इंग्रीडियंट्स दिखाऊंगा, देन हमने कोफ्ता की कैसे उसके अंदर स्टफिंग करनी है, क्या क्या हमने उसके लिए भीजा करना है, देन हमने उसके बाद कैसे उसकी ग्रेवी बनानी है। तो टोटल सारी ये एक एक चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, उसके लिए आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहना, देन उसके साथ साथ आप भी ऐसे ही कोफ्ते बनाते रहना, देन एंजॉय करते रहना। तो सबसे पहले हमारे पास शाम सवेरा के लिए हमारे पास पालक और पनीर दोनों चीज़ होना चाहिए, यानी कि स्पेनिश एंड कॉटेज चीज़ दोनों होना चाहिए। उसको बनाने के लिए हमने स्टफ करने के लिए कॉटेज चीज़ यूज करेंगे, देन बनाने के लिए हम पालक और देन आलू कोटिंग के लिए यूज करेंगे। तो कोटिंग के लिए हम कॉर्नफ्लोर मैदा भी यूज करेंगे, ताकि हमारा कोटिंग प्रॉपर होगा, देन फ्राई भी हम उसको प्रॉपर करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें उस चीज़ का काम करेंगी। तो मैं अभी आपको वीडियो में शो भी कर देता हूँ हमने पास कैसे कैसे इन्ग्रीडियंट्स तैयार करें। ये जो पनीर हमने ग्रेट करके तैयार किया है, ये आपका जो मैंने आपको बताया कॉटेज चीज़ जिसको हम बोलते हैं, ये कॉटेज चीज़ हो गया। देन हमने इसको ग्रेट किया, ये पनीर हमारा जो ग्रेट करके हमने देन ये ग्रेट करके ऐसे तैयार कर लिया। तो दोनों चीज़ें हमारा ये रेडी हो गया। ये होने के साथ साथ देन हमारे पास जो पालक है, स्पेनिश है, इसको हमने सबसे पहले वॉश किया, 2 से 3 बार वॉश करने के साथ साथ देन हमने इसको ब्लांच किया, या बॉयल नहीं करना है, हमने इसको ब्लांच करना है। ब्लांच करने के बाद देन हमने इसको फाइन चॉप कर लेना है। फाइन चॉप मीन्स कि हमने किसी नाइफ से या चॉपर जिसको हम बोल सकते हैं, घर में भी रसोई में सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, उससे आपको फाइन चॉप कर देना है। फाइन चॉप करने के साथ साथ देन इसमें थोड़ा कोटिंग के लिए हम थोड़ा सा ये आलू यूज़ करेंगे, जो कि आलू भी बॉयल रहेगा आपका। ये सारे इंग्रीडियंट्स के साथ साथ देन हमारा एक छोटा सा कोफ्ता बनाने का प्रोसेस रेडी हो जाएगा। इसके बाद देन आपका ये थोड़ा इलायची पाउडर हो गया, देन ये हमारा जिंजर चॉप हो गया, देन ये कसूरी मेथी हो गया, ये वाइट सॉल्ट हो गया, देन थोड़ा किचन किंग, देन ये गरम मसाला हो गया। उसकी ग्रेवी में हम ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे, आपको ग्रेवी का भी मैं बता देता हूँ साथ साथ। देन ये हमारा गरम मसाला पाउडर, मिर्ची पाउडर हो गया, देन ये शुगर हो गया। देन इसके बाद हम अब पनीर हमारा जो ग्रेट करा हुआ है देन हमारे पास ये स्पेनिश है, फाइन चॉप करेंगे इसको। फाइन चॉप करने के बाद देन हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग के साथ साथ हम देन स्टफिंग करेंगे। जो स्टफिंग करेंगे हम पनीर की और इसकी करेंगे, तो मैं अभी आपको इसके बाद दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ, देन हमने कैसे इसको फाइन चॉप करना है। फाइन चॉप करने के बाद देन हम इसमें कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए हम उसमें जो आपको कॉटेज चीज़ है, हमने जो उसको ग्रेट करा हुआ है, उसमें क्या क्या मिक्स करेंगे वो भी दिखाऊंगा मैं उसके साथ साथ। तो ये मैं आपको बता रहा था शाम सवेरा जो कोफ्ता बना रहे हैं उस, तो ये हमारा जो पालक है ब्लांच, मैंने आपको बताया हमने ब्लांच किया है। ब्लांच करने के बाद देन इसको हम फाइन चॉप करेंगे। देन इसका ये जो हमारा कॉटेज चीज़ जो हमने पनीर ग्रेट करके रखा हुआ है, उसको हम इसके मिक्स करके देन कोफ्ता बनाएंगे। इसकी स्टफिंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम ऐसे ये फाइन चॉप, ये जो हमारा मैंने आपको बताया, ये हमने पालक फाइन चॉप किया। देन ये हमारा जो आलू है, बॉयल आलू है, ये भी हम ऐसे ग्रेट कर लेंगे इसकी तरह, पनीर की तरह। देन हम इसमें इसको मिक्स कर देंगे। सबसे पहले इसमें थोड़ा इलायची पाउडर डालेंगे, देन हल्का वो डालेंगे, ये हमारा साल्ट हो गया, ये कसूरी मेथी हो गया, ये सारा हम फिर से इसमें मिक्स करेंगे। ये हमारा जो पनीर है ग्रेट करा हुआ, पनीर जो ग्रेट करा हुआ है, इसमें हमने इलायची पाउडर, साल्ट, कसूरी मेथी, हल्का शुगर, 2 से 4 दाने शुगर,
जस्ट हल्का सा डस्ट इलायची पाउडर, देन हल्का सा आपका ये कसूरी मेथी हो गया, हल्का सा आप इसमें किचन किंग ऐड कर सकते हैं। तो ये आप इसकी स्टफिंग कर लोगे ऐसे इस तरीके से। तो ये दोनों ऐसे रेडी हो जाएगा आपको। ये ऐसे पनीर इसकी जो स्टफिंग है मैंने आपको बताया कॉटेज चीज जिसको हम बोलते हैं, ये स्टफिंग रेडी हो गया। देन ये हमारा पालक जो हमने तैयार किया है वो रेडी हो गया। अब देन हमने इसमें क्या करना है, शाम सवेरे का डिफरेंट यही रहेगा हमारा। जो ये है पनीर का जो हमने ग्रेट करके, देन हमने इलायची का इसमें सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, देन अदरक हो गया, ये सारा हमने इसमें मिक्स कर दिया। हमारा जो पनीर हमने जो ग्रेट किया इसके अंदर मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद देन हमने इसको पालक के अंदर स्टफ करना है। स्टफ करने के बाद देन हमने इसको ऑयल में पहले शैलो फ्राई करेंगे, देन डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के बाद देन हम ग्रेवी बनाएंगे। तो उससे पहले हम पहले कोफ्ता स्टफिंग करेंगे, किस तरीके से करना है। पहले आप ये ऐसे पालक लोगे, पालक लेने के साथ साथ देन आप इसमें ये जो हमारा कॉटेज चीज है ग्रेटेड करा हुआ है उसको आप ऐसे स्टफ कर दोगे, इसके अंदर स्टफ कर दोगे। देन इसको आप इस तरीके से ऐसे राउंड कर दोगे, ऐसे घुमा दोगे आप इस तरीके से। थोड़ा और पालक ले लोगे आप। देन ये करने के बाद देन आप ऐसे स्टफ कर लोगे, ये स्टफ आपका रेडी हो गया। स्टफिंग के आपको तो क्या करना है, हल्का सा ऊपर से ये जो हमारा कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर ऐसे हल्के हाथ से आप ऐसे लगा दोगे ऊपर से। ये हमारा जो इस मैं आपको बता रहा था शाम सवेरा जो कोफ्ता है, हमने दोनों चीजें इसमें स्टफ कर लिया। स्टफ करने के बाद देन हमने थोड़ा सा इसके ऊपर से हल्का सा कॉर्नफ्लोर देन हमने इसकी कोटिंग के लिए लगा दिया। ये लगाने के साथ साथ देन हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद देन हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो उसके लिए आप इसको कंटिन्यू वीडियो देखते रहना। देन हम ग्रेवी कैसे बनाएंगे, देन हमने इसको सर्व कैसे करना है वो भी मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा। और शाम सवेरा आप उसके बाद कोफ्ता बना के तैयार करके एंजॉय कर सकते हैं। चलो तो ये हम पहले इसमें ऑयल में इसको डीप फ्राई करेंगे, डीप देन सेलो दोनों फ्राई करेंगे। फ्राई करने के साथ साथ देन हम इसको ग्रेवी बनाएंगे, ग्रेवी में हम इसको सर्व करेंगे। तो ऐसे आप इसमें तेल में ऐसे फ्राई करोगे इसको इस तरीके से। ये इस तरीके का कलर देखे आप इसको, जो कोफ्ता का मैंने आपको कलर दिखाया आप इसी तरीके का कलर देखे इसको बाहर निकालोगे। ये हमने फ्लेम, ये फ्लेम पे हमने इस तरीके से हमारा जो पैन है जिसको हम फ्राई पैन बोलते हैं अपन रेस्टोरेंट स्टाइल में, देन होटल में इस स्टाइल में, तो ये फ्राई पैन लिए हमने। फ्राई पैन लेने के साथ साथ देन सबसे पहले ये हमने ऑयल डाला। ऑयल को थोड़ा हम गरम करेंगे इस तरीके से, आप भी गरम कर लोगे ये ऐसे। जैसे ही ये गरम हो जाएगा तो सबसे पहले थोड़ा सा हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के साथ साथ देन थोड़ा सा देगी मिर्ची डालना है इसमें, देन थोड़ा वाटर टच करना है ये इस तरीके से। वाटर टच करने के बाद देन मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियो में बताया है ये हमारा रेड ग्रेवी है, तो सबसे पहले रेड ग्रेवी डालेंगे इसमें। थोड़ा सा इसमें व्हाइट ग्रेवी डालेंगे, थोड़ा सा हम व्हाइट ग्रेवी डालेंगे, यानी कि हम एक पोर्शन के अकॉर्डिंग बनाएंगे ये। हम इसको मिक्स करेंगे ऐसे, ये हमने ग्रेवी रेडी किया। इसके साथ साथ देन हमारा ये थोड़ा किचन किंग पाउडर हो गया, देन हल्का गरम मसाला टच करेंगे, देन ये हमारा कसूरी मेथी है। कसूरी मेथी को आप क्रश करके भी डाल सकते हो इस तरीके से, और देन एंड देन आप ऐसे भी डाल सकते हो। थोड़ा आपका इलायची पाउडर हो गया, हल्का सा दो से चार आपके वो हो गया, देन ये आपका वाइट सॉल्ट हो गया। थोड़ा सा आप स्पाइस के, जितना स्पाइस आप लेते हो उसके अकॉर्डिंग आपका मिर्ची पाउडर हो गया, देन थोड़ा ये हमारा किचन किंग हो गया।
ग्रेवी आप अच्छी तरीके से पका लोगे, देन आपको मैंने काफ़ी सारे वीडियो में वाइट ग्रेवी कैसे बनाना है, देन टमाटो ग्रेवी कैसे बनाना है काफ़ी सारे वीडियो में मैंने आपको बता भी रखा है। क्रीम है एक से दो टीस्पून आप इसमें क्रीम टच करोगे। हम इसमें थोड़ा सा अमूल बटर टच करेंगे, हल्का सा बटर, क्रीम बटर रहेगा। ये हमने इस तरीके से ग्रेवी बना लिया, देन आप ऐसे सर्व करोगे इसको। आप इसको एक तो जो मैं अभी सर्व कर रहा हूँ एक तो इस तरीके से सर्व कर सकते हैं, एक तो हम ऐसे इस तरीके से कोफ्ता रख के देन इसमें ऊपर से थोड़ा कट लगा के भी कर सकते हैं। तो अभी जो हम थोड़ा शाम सवेरा को जो प्रेजेंट करेंगे तो थोड़े अलग तरीके से करेंगे, यानी कि हमारा जो कोफ्ता रहेगा उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ये हम इस तरीके से कट कर लेंगे, ये हो गया, इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे। देन ये इस तरीके से ये जो हमारा श्याम सवेरा कोफ्ता रहेगा ये इस तरीके से रहेगा। देन उसके बाद हम थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे, ये इस तरीके से गार्निशिंग करेंगे इसका हम। ये हो गया, देन थोड़ा सा हल्का सा हम इसके ऊपर जो हमारा रोगन है जिसको हम बोलेंगे चिली ऑयल बोलेंगे एक तरीके से, ये हो गया। इस तरीके से हमने आज जो शाम सवेरा कोफ्ता इस जो तैयार किया है जो प्री प्लेट किया है हमने इस तरीके से किया है। तो आप भी इस तरीके से शाम सवेरा कोफ्ता बना के खा के इंजॉय कर सकते हैं। इंजॉय के साथ साथ देन मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइबर कर सकते हैं, देन वीडियो शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, देन आपको अदरवाइज ऐसे ही सेम कोई भी कोफ्ता में या इंडियन माइन कोर्स है वेजिटेरियंस जो अभी हमारा चैनल पर चल रहा है उस पर आप कमेंट्स करके भी आपका जो न्यू जो डिमांड है वीडियो का वो भी आप इसी कमेंट्स के इसी वीडियो पे इसी चैनल पे आप कमेंट्स कर सकते हो। देन लाइक शेयर ज़रूर करें, इंजॉय करें। थैंक यू सो मच।